हेलो गाइस, सबको मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीता, मैं सऊदी अरब में रहती हूँ। छोटे छोटे व्लॉग्स और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो बस देखिए, आज एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ जिसमें एक बहुत ही मज़ेदार सी केक की रेसिपी मैं आपको दूंगी। और वो केक इस तरह का है कि कोई भी, जैसे गर्ल्स वगैरह होती हैं या अगर कोई फर्स्ट टाइम बेकिंग कर रहा है तो वो भी बना सकता है। बहुत ही इसका परफेक्ट बिल्कुल रिजल्ट है और हर बार ये बिल्कुल एक जैसा बनता है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत सॉफ्ट सा बनता है। देखें आपके सामने कितनी आराम से नाइफ केक के अंदर जा रही है। ज़रूर ट्राई करें, जब आप किसी को खिलाएंगे उसको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने घर पर बनाया है। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। और ज़रूरी नहीं आप ये शेप बनाएं, जो मर्ज़ी शेप बनाएं इसकी आप। तो बस देखें, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको मैंने सबसे लिख दी हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं। बस आपने एक बाउल लेना होता है और हर चीज़ उसके अंदर बस मिक्स करें और इसको बेक कर लें। बस देखें कितना सिंपल सी, कोई आपको बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं करना। जैसे बच्चे भी बना सकते हैं ये, कोई इसके अंदर इलेक्ट्रिक एग बीटर का यूज़ नहीं है। आराम से स्पून से मिक्स कर सकते हैं आप और ना कोई इसमें अंडे फेंटने होते हैं। बस सब चीज़ें बस इसके अंदर, बस देखें मैंने मैदा ऐड कर रही हूँ छान के। कोई चीज़ मैंने कितनी ऐड की है वो आप स्टार्ट में देखेंगे, सब चीज़ें आपके सामने लिखी हुई नज़र आ जाएंगी। चीनी ऐड की है, कोको पाउडर ऐड किया है। और बस मैं अरीज को इसी तरह बिल्कुल आसान आसान रेसिपीज सिखाती हूँ ताकि उसको बेकिंग में मज़ा भी आए। और बहुत मुश्किल, ज़ाहिर है, बिजली का काम जिसमें ना हो कि वो इलेक्ट्रिक एग बीटर को यूज़ करे। तो बस इस तरह की रेसिपीज़ उसको मैं सिखाती हूँ जिसमें बिल्कुल सिंपल सी हो और लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा सा हो। बच्चों के लिए आसानी से जो रेसिपीज़ बनती हैं, अगर आप लोग भी अपनी जो गर्ल्स हैं 7-8 क्लास में पढ़ती हैं तो अगर उनको बेकिंग चाहते हैं बहुत अच्छी सी हो जाए उनकी और वो केक वगैरह बहुत अच्छा सा बेक कर लें तो ज़रूर मेरी वाली रेसिपी ट्राई करें। और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे, ख़ासतौर पे गर्ल्स जो हैं, वो जब उनके फादर या मदर की अच्छी सी कोई बर्थडे वगैरह आए या फिर कोई भी अच्छा सा कोई डे आए तो वो केक वगैरह जल्दी से बस आधे घंटे के अंदर अंदर बेक कर, जैसे कर लें, उनको आना चाहिए। और वो सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। और लेकिन ये इस तरह केक है कि बच्चे भी बना सकते हैं तो बहुत आसान से। लेकिन तीनों बच्चे माशाल्लाह मेरे मसरूफ़ हैं बनाने में। और बस अब जब भी नेक्स्ट जिसकी बर्थडे आएगी, मैंने अरी से कहा है कि उसका बर्थडे केक आप बनाएंगी। तो बस इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बच्चियों में, ख़ास तौर पे हमें बचपन से ही उनको इस तरह मोटिवेट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि कुकिंग में इंटरेस्ट पैदा हो। क्योंकि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो मर्ज़ी बने, लेकिन कुकिंग ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूर आनी चाहिए। ये कोई इसका हल नहीं कि बस हमें अंडा बनाना आता है या बस हमने कुकिंग नहीं की। हर चीज़ को मैनेज करना ही लाइफ में कामयाबी इसी में है कि उसको केक बेक करना भी आना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो। आजकल तो लड़कों को भी हर चीज़ आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने शहीर को भी साथ साथ, ज़ाहिर है, उसको भी सिखा रही हूँ। तो हर चीज़ हर किसी को आनी चाहिए आजकल। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे अरीज शहीर के लिए केक बेक करे, अगर अरीज की बर्थडे आती है तो शहीर, जो मेरा बेटा है माशाल्लाह, उसको भी केक ज़रूर बेक करना आना चाहिए। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बच्चों को बताती रहती हूँ और सिखाती रहती हूँ। ज़ाहिर है माँ बाप तो यही कर सकते हैं कि अच्छे से चीज़ें बच्चों को सिखाएं। तो बस मैं इसके अंदर कॉफ़ी भी ऐड करूँगी, सब चीज़ें मैंने लिखी थी स्टार्ट में। और देखें बस ये एग बीटर है जो हम लोग लेके आए थे वहाँ से, इसका मैंने सोचा चलो इसका यूज़ कर लें, बच्चे ज़रा शौक से इसको ज़रा यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर ये नहीं भी है तो स्पून की मदद से भी अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो फिर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और सबसे अच्छी बात कि इसका सेम रिज़ल्ट आता है। मैंने आमिर की जब बर्थडे आई थी मैंने इसे ही बिल्कुल सेम रेसिपी को यूज़ करते हुए ही केक बेक किया था। और बहुत, जैसे बहुत ही कोई महंगा सा केक होता है उस, ये वाला जो रेसिपी है वो केक बनता है इससे। और मुसम्मी को देखें कि वो एग में कुछ डिज़ाइन वगैरह बना रहे थे। तो बस इसी तरह उनको शौक है बच्चों को आजकल पेंटिंग वगैरह करने का। तो बस देखें, अच्छा आपने जब ये केक बेक करना है तो उसका आपने इस तरह करना है कि जैसे ट्रे होती है ओवन में ब्लैक कलर की जो होती है उसको नीचे रखें, सबसे नीचे उसको रखें और एक जाली सी होती है तो वो आप उसके ऊपर रखें जैसे। और आपने बस नीचे वाला ओवन ऑन करना है, ग्रिल आपने ऑन नहीं करनी ऊपर से, बस नीचे वाले को आपने ऑन करें और 250 पे इसको तकरीबन आप 30 मिनट के लिए रखें पहले, फिर चेक कर लें। छुरी ऐड करें अगर आपकी छुरी में थोड़े बहुत ये लगा हुआ महसूस होता है आपको तो कच्चा है, 5 से 6 मिनट 10 मिनट आप और पका लें तो बहुत अच्छा सा आपके केक आपको मिल जाता है। उसको फिर आप ठंडा करें, कट करें, कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें वो फिर आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप ये शेप बनाएं, जो भी आप शेप बनाएंगे सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल टूटता नहीं है। और हर शेप में ये केक बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट सा बनता है। तो ज़रूर ट्राई करना है आपने, जब भी आपकी, आप सोचें बच्चों को सिखाने की कुकिंग तो ये वाले केक ज़रूर ट्राई करें। वन बाउल केक भी कहते हैं इसको और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और जब केक बन जाए तो फिर मैंने उनको ड्यूटी दी कि भाई जो सब यहाँ पे
ज़ाहिर है कि बेकिंग करने में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं किचन में, सब चीज़ें वापस रखो जगह पे और स्लैब जिस तरह का था वैसी कर दो बिल्कुल। तो शहीर जो है वो सफाई कर रहे थे और अरीज जो हैं वो सारे जो बर्तन वगैरह थे वो वॉश कर रही थी। और आई थिंक बेकिंग के साथ ये सफाई का भी ख्याल किस तरह रखना है ये भी ज़रूर सिखाना चाहिए बच्चों को। तो बस देखें केक हमारा बहुत मज़ेदार सा रेडी हो गया है और देखें मैंने चेक किया बिल्कुल पक चुका है अच्छी तरह। और फिर छुरी की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह इसका आप किनारों को अच्छी तरह अलग करेंगे, उसके बाद फिर आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये मैदा मैंने कोट किया था, जैसे पहले हल्का सा ऑयल लगाया था जिसमें मैंने बेक किया है और फिर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके उसके बाद फिर आप अगर बैटर ऐड करेंगी तो बिल्कुल आराम से केक निकल जाता है। और ये देखें वाइट जिसे मैंने केक उठाया है ये वही जो हम लेके आए थे लास्ट, मैंने आपको आई थिंक ब्लॉग में दिखाया था कितने आराम से देखें केक इससे उठ गया है। इसके बाद हमने उसके ऊपर कुछ चॉकलेट अगर लगाना चाहें तो वो मैंने थोड़ी सी लगा ली थी ऐसी टेस्ट के लिए, और फिर कुछ स्प्रिंकल्स बच्चों ने इससे डेकोरेट किया है और बहुत ही मज़ेदार सा देखें बिल्कुल टूटता नहीं है, जो मर्ज़ी आप शेप बनाएं जैसा कि मैंने आपको बताया है वो उसी शेप में केक आ जाता है। तो ज़रूर ट्राई करना है आपने ये केक, और जब भी नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी की बर्थडे आएगी और इंसान को समझ नहीं आता वो क्या बाज़ार से लेके आए या क्या करे, तो बहुत आराम से बहुत ही इजी सा केक है लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। और जब भी केक बनता है तो सारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ज़रूर वो समझते हैं कि उनकी बर्थडे आ गई, वो फ़ौरन मुजम्मिल अपनी ट्वाइस वाली नाइफ लेके आ गए हैं, फ़ौरन उन्हें कट किया है, सब क्लैपिंग करते हैं, ज़ाहिर छोटे बच्चे यही करते हैं, तो बस मुजम्मिल अपनी समझ रहे हैं बर्थडे हो रही है उनकी। और मैंने चाय वगैरह बनाई थी इसके साथ और मज़ेदार सा केक हम इन्जॉय करेंगे। और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट सा केक है ये। और आजकल इस तरह का केक अगर आप मार्केट से लेते हैं कितने हज़ारों रुपये की इसकी कीमत है, लेकिन घर में कितने आराम से आपको ज़रा से सामान में इतना अच्छा सा केक बन जाता है। ज़रूर आप एक तो आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है जब बेकिंग, आपको स्ट्रेस वगैरह भी नहीं होता और ज़ाहिर इतना टाइम लगता है इसके अंदर एक बर्दाश्त मेरा ख्याल पैदा होनी चाहिए बच्चों में भी आप में भी कि केक पक रहा है फिर हम उसको चेक कर रहे हैं, तो ये अच्छा टाइम पास हो जाता है। आजकल बच्चे मोबाइल और इन चीज़ों में लगने से बेहतर है कि उनको बिज़ी किया जाए जैसे हम अपने बचपन में बिज़ी रहते थे, तो ताकि हेल्दी रहे उनका माइंड वगैरह भी। तो बस देखें कितने सॉफ्ट सी ये केक बनता है। ज़रूर आपने रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको आज केक की रेसिपी जो बच्चे भी बना सकते हैं कैसी लगी है, ज़रूर कमेंट करके बताना है आपने। और देखें कितना फ़ायदा है यूट्यूब का कि आराम से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हम एक दूसरे से शेयर करते हैं फिर ट्राई करते हैं, तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है यूट्यूब बहुत अच्छी है कि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। और बहुत सॉफ्ट सा केक है, जितना हमने खाना था हमने खा के फिर हम बाकी का मैंने स्टोर कर लिया क्योंकि ये काफ़ी दिन तक चलता है बिल्कुल सही रहता है, तो हम इसको फ्रिज में रख देते हैं और जब भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। और ये हमने तकरीबन दोपहर में बनाना शुरू किया था केक और शाम में हमने फिर चाय के साथ खाया था, तो बस फिर हमने सोचा कि कुछ खाना आज बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता पकाने का, तो फिर हमने सबने बच्चों ने और मैंने आमिर को आज कहा कि हमने आज दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल खाना पकाने का और ना ही बाहर के खाने का दिल चाह रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें अच्छा सा एक अंडा बना के खिलाता हूँ। तो बस ये आमिर ने हम लोगों के लिए बहुत मज़े का आज डिनर में अंडा बनाया था, आई थिंक इसको खगीना वगैरह भी कहते हैं। और लाइफ में चेंज बहुत ज़रूरी है, अपने हाथ का खाना खा के इंसान जब बोर हो जाता है तो फिर किसी दूसरे के हाथ का खाना कहीं किसी घर में जाओ या फिर जैसे हस्बैंड बनाए कभी महीने में एक आध दफ़ा तो फिर बहुत अच्छा लगता है, बहुत चेंज सा लगता है। तो बस वही दिन था आज और मैंने फिर आटा वगैरह गूंद लिया था, मैं रोटी बनाने आ गई थी। और ये वाला अंडा ज़रूरी नहीं है कि आप बस कभी जस्ट नाश्ते में ही बनाएं, कभी कभी जब इंसान का मूड ना हो चावल खाने का या फिर कोई सालन वगैरह खाने का तो उसमें बहुत अच्छा रहता है, ज़रूर आप भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर ऑमलेट भी हम लोग बना लेते हैं कभी, जैसे कभी सालन दोपहर का ख़त्म हो जाए या फिर कभी दिल ना चाहे जल्दी से कुछ बनाना चाहे, तो अंडा पराठा भी एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी बना सकते हैं आराम से, बस अंडे बनाओ और साथ पराठा बनाना चाहे या रोटी जो भी। तो बस उसके अलावा बस मैं अब जल्दी जल्दी रोटियाँ बना लूँगी और सोचा कुछ बातें करती हूँ आपसे,
और मैंने सोचा आपको बताऊं कि बहुत से लोग पूछते हैं, जैसे मैं अपने दोस्तों वगैरह को बताती हूं कि मेरा चैनल है यूट्यूब का, तो वो मुझसे पूछते हैं कि मोनेटाइज हुआ है तुम्हारा चैनल, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि माशाल्लाह मोनेटाइज हुआ है मेरा चैनल। और बस ये कि अभी अर्निंग वगैरह कोई स्टार्ट नहीं हुई है, बस जो भी इसका 4000 मिनट होते हैं और 1000 सब्सक्राइबर्स वो मेरे पूरे हो चुके हैं, और बस इंशाल्लाह कुछ दिन में पिन भी आ जाएगी, तो उसके बाद फिर अटैच ज़ाहिर आपको पता है कि हो जाता है अकाउंट वगैरह। और स्टार्ट में $10 हमें जमा करने होते हैं, और वो $10 जमा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पॉइंट पॉइंट्स में वो $10 जो है पूरे होते हैं, तो बहुत मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा खासा $10 बहुत मुश्किल है। उसके बाद फिर अकाउंट जब अटैच हो जाता है उसके बाद 100, तो मैं सोचती हूँ कि अगर $10 जमा करना इतना मुश्किल है, इतना टाइम लग रहा है उसके अंदर, तो सोचें आपके $100 जमा करना कितना मुश्किल है। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ही ये सब चीज़ें ग्रो होता है चैनल, मुझे तो आई थिंक 4 साल से भी ज़्यादा का अर्सा यूट्यूब पे। तो बस इंशाल्लाह वो दिन भी जल्द आएगा कि मैं आपके साथ अपनी फ़र्स्ट इनकम इंशाल्लाह शेयर करूँगी, और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके भी जल्दी जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाएँ, जो $10 हैं पिन के जल्दी से पूरे हो जाए, और फिर उनकी भी फ़र्स्ट पेमेंट $100 जो है जमा होकर जल्दी से उनके हाथ में आ जाए। तो बस ज़ाहिर टाइम लगता है, कुछ साल तो ज़ाहिर लगेंगे, काफ़ी मेहनत है इसमें यूट्यूब में, और फिर इंसान को आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि उसको किस तरह की वीडियोज़ बनानी है। तो देखते हैं कि आगे चल के हमें कितनी इनकम आती है, क्या होता है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहरहाल जब मेरा दिल नहीं चाह रहा था आज खाना पकाने का, तो बस फिर मैंने आमिर ने ज़ाहिर है वो अंडा वगैरह बना लिया, और मेरा रोटी पकाने का भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि जब केक खा लिया तो फिर ज़रूरी नहीं है कि अब बाहर के रोटी मंगवाई जाए, या फिर तो फिर ज़ाहिर है जब इंसान सोचता है थोड़ी सुस्ती उसको हो जाती है, लेकिन बस वो हिम्मत करे तो बस जल्दी से फिर पक सकती है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी हिम्मत करती हूँ, रोटी मैं घर में जल्दी से बना लेती हूँ। और जब हम सोच रहे होते हैं कोई चीज़, बस उसको बस सोच को हमें वो चीज़ ख़त्म करनी होती है, कि बस जब हम खड़े हो जाते हैं, ज़ाहिर मदर कोई भी मदर खड़ी हो जाती है, फिर काम करना मुश्किल नहीं होता। तो बस फिर जल्दी से मैंने रोटी बना ली, और हम लोग के घर में छोटी छोटी रोटियां बनती हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग घर में बहुत बड़ी रोटी बनती है, तो बहुत बड़ी रोटी भी नहीं खानी चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज आप इनटेक कर लेते हैं। तो एक रोटी खा सकते हैं आराम से, लेकिन ना ही बहुत सीढ़ी साइज़ की रोटी खानी चाहिए। हर चीज़ इंसान की ज़िंदगी में अगर वो मीडियम रखेगा अपना, चाहे साइज़ हो, कपड़ों का साइज़ मीडियम हो, या फिर रोटी का साइज़ हो, हर चीज़ अगर ज़िंदगी में मीडियम साइज़ की वो यूज़ करेगा, तो वो फिर इंसान परफेक्ट ज़िंदगी माशाल्लाह गुजारता है। तो यही सबसे अच्छा हल है कि हर चीज़ को मुनासिब मकदार में खाई जाए, ताकि आपका वज़न वगैरह जो है वो कम हो जाए, और जो इतना बढ़ चुका है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कम हो जाएगा। कुछ टाइम लगता है, कुछ साल लगते हैं। तो बस देखिए मेरी रोटी जो है वो रेडी हो गई, छोटी सी मैंने अपने लिए बनाई है। जब भी रोटी खाएँ तो एक ग्लास ज़रूर पहले पानी ज़रूर पी लें, और जब आप छोटी सी रोटी खाएंगे तो आपका पेट फिर इंशाल्लाह भर जाएगा पूरा। वैसे तो ये सब बातें सबको पता होती हैं, लेकिन जब हम किसी की वीडियो देख रहे होते हैं तो हमें याद आ जाते हैं, और फिर हम भी उस पर अमल कर लेते हैं। और मैंने देखा है कि खाने के साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर वेट बहुत मुश्किल से मेरा ख्याल है कम ही नहीं होता फिर। तो मैंने तो एक्सरसाइज शुरू की है, क्योंकि एक्सरसाइज के बगैर बॉडी को शेप में लाना इम्पॉसिबल है, बहुत स्ट्रेस ज़ाहिर है कम खाने से बहुत स्ट्रेस सा हो जाता है, तो बेहतर है जिस्म को थोड़ा हिला लिया जाए, थोड़ी वॉक वगैरह से भी वज़न मुझे लगता है कम नहीं होता। तो जैसे योगा के कुछ स्टेप हैं जिससे बहुत जल्दी, बहुत ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके बहुत जल्दी से बॉडी आपकी कम होना शुरू हो जाती है, ख़ासतौर पे पेट, आपके लेग्स वगैरह। तो ज़रूर जो आपको आसानी हो तो ज़रूर योगा के कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिससे आप बहुत जल्दी आपकी बॉडी जो है वो शेप में आ जाती है, वो भी स्टार्ट करें। देखें यूट्यूब पर वीडियोज़ के स्टार्ट में कौन कौन सी आपको सूट होती है, उसके मुताबिक आप ज़रूर वो भी करना शुरू करें। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि बिल्कुल एक शेप सी आ जाएगी, और उसके बाद भी इंसान का दिल चाहता है कि वो भी डाइट करे और सब चीज़ें, ज़ाहिर है जब बॉडी शेप में आना शुरू हो जाती है। तो बस ये सुफरा है जो कि हम खाने से पहले टेबल पे बिछा लेते हैं, और उसमें सारी चीज़ें फिर ज़ाहिर है गिर जाती हैं, कोई बोन्स हों या कोई भी जैसे खाना खा रहे होते हैं, तो फिर इसको यहाँ पर फेंक दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सऊदी अरब में यूज़ होता है, आई थिंक अब तो पाकिस्तान में मिलने लगा ये। तो बस देखें ये हमारा जो अंडा है जो कि आमिर ने बनाया है बहुत हल्की आंच पे काफ़ी घंटों में, ज़ाहिर जब भी हस्बैंड कुकिंग करते हैं तो बहुत घंटे लगाते हैं वो, लेकिन फिर चीज़ बहुत अच्छी बनती है, बहुत आराम से जब चीज़ बनाई जाती है। हम तो बस जल्दी से किचन में जाते हैं, जल्दी से बना के आ जाते हैं बाहर, जैसे रूटीन में जो चीज़ बना रहे होते हैं। तो बस बाहर वाली छोटा सा व्लॉग था जिसमें बहुत मज़ेदार से मैंने आपको बहुत आसान सी वन बाउल केक की रेसिपी दी है आपको, चॉकलेट मिल्क केक भी कह सकते हैं इसको आप,
और बस हम बच्चों को पार्क लेके जा रहे थे। आजकल मौसम फिर से दोबारा गर्म हो गया, यहाँ पे कुछ दिन पहले कुछ सही हुआ था, अब फिर से गर्मी है, तो वॉक वगैरह तो बाहर बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। बस ये है कि थोड़े बहुत चहलकदमी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वॉक से ज़्यादा एक्सरसाइज से आपका बॉडी शेप में आती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखेंगे, ये वाले मैंने शूज़ इसके साथ पहने हैं, वॉक वगैरह में तो इस तरह के शूज़ नहीं चलते, तो बस मैं थोड़े बहुत चहलकदमी यहाँ पर करने आई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वॉक से आपका 1 किलो वज़न कम भी नहीं होगा। अगर आप अपनी बॉडी शेप में लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज करें, उससे आप देखेंगे बहुत जल्दी से आपका असर हो जाएगा। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था जिसमें मैंने आपके साथ एक बहुत मज़ेदार आसान से केक की रेसिपी शेयर की है, ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है। और इसके अलावा सबका देखने का बहुत शुक्रिया सबको मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।